What's up guys, welcome back to my channel. आज फिर से एक नई वीडियो, एक नई प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ. मैं आज मौजूद हूँ डोंबिवली ईस्ट मानपाड़ा में, जहाँ पर मैं आपके लिए एक बार फिर से बजट प्रॉपर्टी हमेशा की तरह लेके आ गया हूँ. मैं आज आपको दिखाऊंगा 1 RK, 1 BHK, 2 BHK कम्प्लीटली 100% लीगल प्रॉपर्टी और बिल्कुल भी आपके बजट में. 25-30 हजार आपकी सैलरी है तभी भी आप इस प्रॉपर्टी पर घर खरीद सकते हैं बिल्कुल भी कम, लो डाउन पेमेंट में. सारी जानकारी मैं आपको देता हूं मेरे साथ इस वीडियो में. तो सबसे पहले आज जिस प्रोजेक्ट पे मैं आपको लेके आया हूँ उसका नाम है एडवांस लीगेसी. मैं पूरा आपको बोर्ड दिखा दे रहा हूँ, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, कितने फ्लैट हैं, सीसी है कि नहीं, रेरा है कि नहीं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर डेवलपर के नाम के साथ, एरिया के साथ, डेट, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. और भी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको देता हूँ. एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एडवांस लेगेसी जिस प्रोजेक्ट में मैं आज आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 1 RK, 1 BHK नहीं बल्कि टेरेस फ्लैट्स भी दिखाऊंगा. सबसे पहले मैं आपको वॉक अराउंड कराना शुरू करता हूँ बिल्डिंग के अंदर ले जाकर. ये आप देखेंगे, ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. आप काम देखिए, अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ. इतना ओपन स्पेस है ना इस बिल्डिंग में, आप लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, यहाँ पर पूरा आपको ओपन पार्किंग, स्टिल पार्किंग, सब कुछ देखने को मिलेगा. ये जो आप देख रहे हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये ए विंग है और बी विंग पूरा का पूरा बन के रेडी हो चुका है. इसके अंदर मैं सबसे अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें देखिए दो दो लिफ्ट है, एक नहीं दो दो लिफ्ट आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद ये आप ओपन स्पेस देखो, कितना ओपन स्पेस है. मैं आपको पूरा राउंड मरा के भी दिखा दूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग का जो 100% हिस्सा है उसमें से सिर्फ 35% के एरिया में बिल्डिंग बनाया और बाकी का जो 65% का एरिया है वो पूरा का पूरा ओपन है. ओपन पार्किंग, गार्डन, अमेनिटीज, 18 से ज्यादा अमेनिटीज है. एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंबिवली में बहुत ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे इलीगल बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको डोंबिवली की रियल स्टोरी बताता हूँ और यहाँ पर बताता हूँ कैसे इलीगल और लीगल का फर्क आपको समझ में आएगा. तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ लीगल इलीगल का इशू. यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है सिंगल लैंड का, सिंगल ओनर है, सिंगल डेवलपर है. ऐसा नहीं है कि बिल्डर कोई और है और जो जमीन है वो किसी और की है. एक बिल्डिंग के अंदर 10-10 पार्टनर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो लैंड के ओनर है वो भी एक है, जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी एक ही है. जो इश्यू है यहाँ पर डोंबिवली में वो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे बिल्डर्स, बहुत सारे डेवलपर्स पुराने सीसी का यूज करके बहुत कुछ उल्टा सीधा काम करके गलत तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं. और जब आप रूम खरीदते हैं, आप टोकन कर देते हैं, उसके बाद आप जब लोन कराने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि बैंक्स तो इन प्रोजेक्ट के ऊपर लोन दे ही नहीं रही है. लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, जब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू चल रहा था 27 अलग अलग गांव का कि ये KDMC के अंदर आता है या नहीं आता है, 2019 में वो मैटर क्लियर हो गया, सीसी मिलना शुरू हो गया और 2019 में ही इस बिल्डिंग का सीसी ले लिया गया था. सिर्फ एक साल का टाइम लगेगा और इसका आपको पोजेशन दे दिया जाएगा December 2023. और ये भी जो मैं आपको डेट बता रहा हूं ये रेरा का डेट है, यानी कि आपको पोजेशन इससे जल्दी ही मिलने वाला है. कैसे आपको फ्रॉड से बचना है, कैसे इलीगल लीगल में फर्क समझना है वो मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं आपको सैंपल फ्लैट्स भी दिखाता हूँ. मेरे साथ ऊपर चलिए, फ्लैट्स जरूर देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको रूम दिखाऊं, उसके पहले मैं आपको पैसेज दिखाना चाहता हूं. ये पैसेज आप देखिए, इतना बड़ा आपको यहाँ पर एरिया देखने को मिलता है. आप ऊपर आएंगे ये पूरा ओपन स्पेस आपको देखने को मिलेगा और ये जो है यहाँ पर जो बीच में पैसेज है, नीचे टाइल्स का काम देखिए, टॉप क्वालिटी टाइल्स का यहाँ पर काम किया हुआ है. लिफ्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ, लिफ्ट का आप खाली ये मैसिव एरिया देखिए. ज्यादातर बिल्डिंग्स में आपको छोटे छोटे लिफ्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितना मैसिव आपको लिफ्ट का एरिया देखने को मिलता है, यानी कि लिफ्ट की साइज बहुत बड़ी होने वाली है. चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज 1 BHK टेरेस फ्लैट. आप एंटर करोगे, एंटर करते ही आप सबसे पहले डोर की क्वालिटी यहाँ पर चेकआउट करें. डोर की क्वालिटी बहुत बढ़िया, आपको वुडन का काम देखने को मिलता है और ये कुछ आपका हॉल का साइज. टाइल्स आप देखेंगे ज्यादातर जगहों पर, ये जो साइज की टाइल है इसके आधी साइज की टाइल होती है, लेकिन टाइल लंबे साइज का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. कलर की क्वालिटी आप देखिए और सामने मैं आपको लेके जाता हूँ. यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका विंडो आपको देखने को मिलता है और ये 40 फीट का यहाँ पर आपको टेरिस देखने को मिलेगा.
इसके अंदर हम लोग एंटर करते हैं। ये मैसिव एरिया आपको देखने को मिलेगा, बाहर आप ऐसे ग्रिल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑलरेडी सेफ्टी के लिए ये लगाकर दिया गया है। आप एरिया बस यहाँ पर चेकआउट कीजिए इस टेरिस का, कितना खूबसूरत लंबा बड़ा चौड़ा एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर सीधे सामने, बीच में आपको पैसेज दिखता है मैसिव, लेफ्ट साइड में मैसिव साइज का आपको बाथरूम देखने को मिलेगा, जबरदस्त टाइल्स की क्वालिटी, आपको सारे जैक्वार के मॉडर्न फिटिंग्स यहाँ पर लगा के दिए गए। टाइल्स की क्वालिटी आप देखिए, शावर देखिए, सिंक इन देखिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। राइट साइड में टर्न करते ही आपको नजर आएगा आपका किचन, डबल प्लेटफॉर्म, दोनों साइड में आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा ग्रेनाइट का। यहाँ पर आप देखिए टॉप क्वालिटी के जैक्वार के आपको फिटिंग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी पूरा टाइलिंग का वर्क किया गया है, यहाँ पर आपको विंडो भी नजर आता है। तो कुछ इस साइज का आपको आपका किचन देखने को मिलेगा, और उसी के सामने आपकी बाथरूम, बाथरूम में भी जैक्वार के मॉडर्न फिटिंग्स, वेस्टर्न टॉयलेट्स लगाकर दिए गए। पूरा का पूरा टाइलिंग यहाँ पर भी आपको करके दिया जाएगा, और डोर की क्वालिटी आप यहाँ पर भी चेकआउट कर ही सकते हैं। सामने आप देखेंगे ये आपका बेडरूम आपको नजर आ जाएगा 1 BHK अपार्टमेंट में। बेडरूम की खासियत यह है कि जो साइज हॉल का है उसी साइज का आपको बेडरूम भी देखने को मिलता है। बेडरूम का साइज यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर भी लेके आता हूँ आपका विंडो, और यहाँ से आपको ये पूरा व्यू देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का 1 BHK 420 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। 1R के अपार्टमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया, तो सेम फ्लैट सेम साइज सब कुछ 1R के अपार्टमेंट में भी होगा। यही डोर की क्वालिटी, यही रूम का साइज, यही कलर की क्वालिटी, ये सारी चीजें सेम होने वाली है। सामने आपको सेम 1R के में टेरेस फ्लैट, 40 फीट का टेरेस आपको 1R के में भी देखने को मिलेगा, सेम सेफ्टी गार्ड के साथ। ये पूरा आपका साइज आपका 1R के का रहने वाला है। बाथरूम का साइज भी आपको सेम देखने को मिलेगा, इतना ही बड़ा साइज आपको 1R के में भी मिलेगा, सारी मॉडर्न फिटिंग्स जैक्वार के साथ। सेम किचन आपको देखने को मिलेगा 1R के में भी, डबल प्लेटफॉर्म रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि 1R के में आपका प्लेटफॉर्म हटा देंगे, और यही सेम क्वालिटी, सेम जैक्वार के फिटिंग्स, वेस्टर्न टॉयलेट्स, और ये टाइल्स के साथ आपको बाथरूम भी देखने को मिल जाएगा। बस ये जो बेडरूम है, ये बेडरूम आपको 1R के में नहीं मिलेगा। तो कुछ इस साइज का 1R के अपार्टमेंट, स्पेशियस 1R के टेरेस फ्लैट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको 2 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाया, लेकिन मैं आपको प्लान पर भी समझा देता हूँ। सबसे पहले ये जो एंट्री आप देख रहे हैं यहाँ से, ये 2 BHK में आप एंटर करेंगे तो ये हॉल का साइज आपको देखने को मिलेगा, और इतना बड़ा डाइनिंग स्पेस। जैसे ही आप राइट टर्न मारोगे आपको आपका पहला बेडरूम देखने को मिलेगा, इसके अंदर मास्टर बाथरूम आता है, तो ये आप देखेंगे इसी के अंदर अटैच्ड है। यहाँ से आप सामने आएंगे तो हॉल के ठीक सामने ही आपको टेरेस पूरा देखने को मिलेगा। यहाँ से आप जैसे ही पैसेज के अंदर घुसेंगे, सबसे पहले आपको सामने किचन देखने को मिलेगा डबल प्लेटफॉर्म वाला, ये आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिलता है, और ठीक इसी के सामने आप जाओगे तो ये जो दूसरा बेडरूम है, साइज के साथ आप सब कुछ यहां पर देख सकते हो, दूसरा बेडरूम आपको देखने को मिलेगा, और ठीक इसी के सामने अटैच बाथरूम यहां पर आपको देखने को 2 BHK अपार्टमेंट में मिल जाएगा। अभी 2 BHK फ्लैट मैंने आपको ऑन पेपर दिखाया, और अभी मैं आपके उसी 2 BHK फ्लैट के अंदर खड़ा हूँ। फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको ये पूरा ओपन स्पेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो आपकी सराउंडिंग है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है, और ये आपका 2 BHK का सेम ऐसा ही एज इट इज हॉल होने वाला है जहां पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ। फिलहाल तो ये वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होती है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं, प्राइसिंग बताऊं, एमेनिटीज बताऊं, एक चीज और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पिछले 6-7 महीने के अंदर 10-15 लाख लोगों ने हमारी इन वीडियोस को देखा है, 10,000 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप तक सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। डोंबिवली में या कहीं पर भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपको 4-5 लाख रुपए सस्ते में घर टिका देंगे, और आप सस्ता समझकर उनको खरीद लेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उनका रेरा नंबर चेक करें, CC चेक करें, OC चेक करें, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करें, क्योंकि आप एक बार इलीगल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं उसके बाद आप उसके ऊपर लीगली कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्डिंग टूटनी है मतलब टूटनी है, आप लीगली जाकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा रहा हूं हमेशा 100% लीगल हो।
चलिए तो अब फाइनली प्राइसिंग की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले 18 से ज्यादा अमेनिटीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रूफ टॉप क्लब एरिया टेरेस के ऊपर, बहुत कम बिल्डिंग में आपको ये देखने को मिलेगा, टेरेस के ऊपर रूफ टॉप क्लब एरिया यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखोगे गजेबो स्टाइल सिटिंग एरिया आपको देखने को मिलता है, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथवे, रूफ टॉप सिटिंग एरिया। यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाता हूँ आउटडोर गेम्स, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिमनेजियम, योगा स्पेस, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहीं से आप बाहर निकलोगे तो आपको देखने को मिलेगा मॉल, दो दो मॉल आपको देखने को मिलते हैं, 25-25 माले के बिजनेस पार्क से यहां पर आ रहे हैं, तो आपको जॉब के लिए भी बहुत दूर बहुत लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं है। पास में ही डीमार्ट है, सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगा। 2 से 3 साल के अंदर यहां पर 50,000 से ज्यादा पॉपुलेशन आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बताता हूं, अगर आप एक डेवलपिंग एरिया में लेते हैं, ये एक डेवलपिंग एरिया है, आने वाले टाइम में जो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आज आपको 10 लाख रुपए में मिल रहा है तो हो सकता है 5 साल के अंदर 4 गुना ज्यादा प्राइस इस प्रॉपर्टी का बढ़ जाए। यहाँ पर भी देख लो, ये सारी जो आउटडोर गेम्स आपको दिख रही हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लगाया, बल्कि ये सारी चीजें आपको बिल्डिंग में देखने को मिलेंगी। बाकी की सारी जो नॉर्मल अमेनिटीज होती हैं, जैसे कि सीसीटीवी, सोलार फैसिलिटीज, लिफ्ट, सिक्योरिटी, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइसिंग जो 1 RK की होने वाली है, 300 स्क्वायर फीट, मैं आपको बिल्डअप एरिया नहीं बता रहा हूँ, कार्पेट, रेरा कार्पेट एरिया, 300 स्क्वायर फीट का 25 लाख रुपए ऑल इंक्लूसिव, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। 1 BHK का जो स्टार्टिंग एरिया होने वाला है वो 380 स्क्वायर फीट का होने वाला है, 32 लाख रुपए ऑल इंक्लूसिव आपको पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बड़े एरियाज अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे टेरिस फ्लैट के साथ। 2 BHK जो है 670 स्क्वायर फीट, 62 लाख रुपीज में ऑल इंक्लूसिव। वीडियो के ऊपर लगातार आपको नंबर नजर आ रहे होंगे, तुरंत कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर आइए, साइट विजिट कीजिए। प्रॉपर्टी ना पसंद आए इसका मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको नहीं, फिलहाल किसी और को इस प्रॉपर्टी की जरूरत है इस कम बजट के अंदर, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपसे अगली बार मैं फिर से मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक और नई बजट प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।